मेरे पास क्रेडिट एक्सेस के शेयर्स हैं जी 27,1468 के प्राइस से जी, तो मैं क्या करूं, एवरेज करूं उसको? आपका थोड़ा ये नजर है क्या है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, अक्षय जी आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। एक्सिस ग्रामीण पर इनकी खरीदारी है, यहाँ पे देखे तो स्टॉक वहां से 27% नीचे आ चुका है, इस साल के हाई से देखे तो वहां से भी 40% गिर चुका है, कंटिन्यूसली गिरते ही जा रहा है स्टॉक। पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं, अगर इसी महीने का देख ले तो इसी महीने भी कुछ 11% गिर चुका है, कंटिन्यूस फॉल इसमें चल रहा है। क्या लगता है यहां से कुछ उम्मीद है कुछ पुल बैक की? तो काफी नेगेटिव है, इनफैक्ट पूरा 2024 का जर्नी आप देखें तो एक तरफा सेलिंग है और अभी तक कोई सपोर्ट आसपास मुझे नहीं दिख पा रहा है, काफी ओवरसोल्ड है टेक्निकल पैरामीटर्स में, बट फिर भी कोई रिकवरी नहीं दिखा रहा है, तो स्टॉक का अंडरटोन काफी बेरिश है। सपोर्ट्स अगर आप खोज रहे हैं तो काफी निचले स्तर पे है, 850 के आसपास, तो बेहतर रहेगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का भी नजरिया हो, कोई रिवर्सल अभी तक तो नहीं बन पा रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज भी नहीं है, उसके चलते टेक्निकली तो मेरी राय रहेगी कि आप ये स्टॉक से एग्जिट ले लें। ये स्टॉक से आपको एग्जिट करने की सलाह फिलहाल मिलती हुई।